गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टैंडर्ड 8 का आज मैं आपको संस्कृत पढ़ा रही हूँ। स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 6 रमणीय नगरी, गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम। फरीथी पुनरावर्तन आपणे करीए छीए, चैप्टर आपणे वाँच्यू छे, लख्यू छे, कम्प्लीट थयू छे, इंग्लिश मीडियम में पण कम्प्लीट हो गया है, बराबर। तो आज मैं वापिस पढ़ती हूँ। गांधीनगरम गुर्जर राज्यस्य राजधानी अस्ति, इदं सुन्दरं सुयोजितं च नगरम् अस्ति, अत्र बहूनि दर्शनीया स्थानानि सन्ति, यथा सचिवालय, महात्मा मंदिरम, अक्षरधाम मंदिरम एवं इंद्रोड़ा पक्षी उद्यानम। इदं सचिवालय भवनम अस्ति, अस्मिन् भवने विधानसभाया अधिवेशनानि भवन्ति, अस्मिन्नेव भवने स्थित्वा राज्यस्य मन्त्रिणः, सचिवः, अन्य च अधिकारिण राज्यकार्य सचालयन्ति। सवि सचिवालय एव गुर्जर प्रदेशः शासनस्य मुख्य कार्यालय अस्ति। अस्माक राष्ट्रपितु श्री गांधी महोदयस्य स्मृतिरूपेण एतस्य मन्दिरस्य निर्माणम् अभवत्, यत् महात्मा मन्दिर नाम्ना प्रसिद्धम् अस्ति। महात्मा गांधी महोदय भारतस्य स्वतन्त्रताया कृते भृशं प्रयत्नम् अकरोत्। एतानि सर्वाणि कार्याणि चित्ररूपे अत्र प्रदर्शनार्थे प्रस्तुतानि सन्ति। गांधीनगरस्य समीपे एव विशाल इंद्रोड़ा पक्षी उद्यान अस्ति। एतस्मिन् स्थाने खगा प्राणिनः च निर्जन पर्यावरणे एव निवसन्ति। डायनासोर नामन प्राचीन महाकाय प्राणिनः विशेष विभाग अस्ति। एषः विभागः बालाना कुर्ते अतीव आकर्षक मनोरंजक च अस्ति। अत्र एकं सर्पगृहम् अस्ति, सर्पगृहम् अपि अस्ति। विविधकुलानां सर्पाणाम् अत्र दृष्टं शक्नुनम्, बराबर। महात्मा गांधी मंदिरतः नातिदूरे एव विद्याभवन नाम विशालं भवनम् अस्ति। तत एव भवनम् GCERT रूपेण, क्या GCERT रूपेण ख्यातम् अस्ति। विद्याभवने GCERT नाम परिषद कार्यालय अस्ति। इयं परिषद अस्माक प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रे परिवर्तनार्थं सततं प्रवृत्ता अस्ति। गांधीनगरे विशालः स्वच्छमार्गः वर्तते। एतस्मिन् नगरे बहूनि रमणीयानि उद्यानानि सन्ति। नगरे बहवः पादपानि सन्ति, तेन कारणेन
इंदम नगरम विश्वस्य हरित नगरम रूपेण अपि प्रसिद्धम। बराबर गांधीनगर फिर से समझा रही हूँ। गांधीनगर गुजरात राज्य राजधानी अस्ति। गांधीनगर एक गुजरात की राजधानी है। इदम सुंदरम सुयोजितम च नगरम अस्ति। ये सुंदर और स्वच्छ नगर है। अत्र बहूनि दर्शनीयानि स्थानिक सन्ति। यहाँ पर बाहर के लोग देखने आते हैं। यथा सचिवालय अहियाँ गुजराती मीडियम ने तो खबर पड़ से हिंदी बनने अहियाँ सचिवालय महात्मा मंदिर अक्षरधाम मंदिर अने इंद्रोड़ा पक्षी उद्यान पण छे। इदम सचिवालय भवनम अस्ति। अहियाँ सचिवालयनु मोटू मकान पण छे। अस्मिन भवने विधानसभाया अधिवेशनानि भवन्ति। आ विधानसभामा कार्यालय करवा ते अहीं विधानसभामा अहीं बेसीने वार्तालाप करे छे। जे धारासभ्यो होय जे चूंटीने आया होय ये लोको अहीं विधानसभामां बधा कार्यालयनी वातो करता होय छे। अस्मिने भवने स्थित्वा राज्यमंत्रीनी सचिवा अन्य च अधिकारीनी राज्यकर्ता संचा लयंति। कोण कोण आवे छे? राज्य मंत्रण जो मंत्री लोग होते हैं, सचिवालय के कार्य होते हैं, धारासभ्य होते जो होते वो सब यहाँ आते इकट्ठे होते और यहाँ राज्य के कार्य के बारे में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। सचिवालय एवं गुर्जर प्रदेश शासन से मुख्य कार्यालय अस्ति। गुजरात नु कार्यालय आ सचिवालय छे। कोई पण काम हो तो आ सचिवालय में बधा धारासभ्यो मंत्रीओ आवे अने वातचीत करे अने पछी बधु आगळ काम करे। अस्माक राष्ट्रपितु श्री गांधी महोदय स्मृति रूपेण एनी बाजू में गांधी महोदय स्मृति रूपेण एक मंदिर छे। गांधी मंदिर तरीके निर्माण अभवत। यत महात्मा मंदिर नाम प्रसिद्ध। ये मंदिर नु नाम शू छे? महात्मा मंदिर। उस मंदिर का नाम क्या है? महात्मा मंदिर प्रसिद्ध है। भारत देश स्वतंत्रता कृते भृशम प्रयत्न अकरुत। बराबर भारत को आज़ाद करने के लिए गांधी जी ने बहुत प्रयत्न किए। एतानि सर्वाणि कार्याणि चित्र रूपेण अत्र प्रदर्शनार्थ प्रस्तुति सन्ति। इसमें जो भी उन्होंने देश के लिए किया है उसका चित्र वर्णन आपको देखने मिलता है। तो आज मैंने पेज नंबर 20 तक आपको ये पढ़ा रही हूँ। आगे का 21 में कल पढ़ाऊँगी। तो आपको वापस लिखना है और आपको पढ़ना है, लर्न करना है और इसको समझना है। ओके, और जिसका इनकम्प्लीट है वो कम्प्लीट कर दो। ओके, बाय।